Good morning, students. Myself Shyam Raheja. This is my second YouTube lecture in BCA first year. And the topic is desktop. Basically, मैं आपको बताना चाहूँगा practical concept है कि desktop क्या होता है. The entire screen of a system that consisting of small icons is known as desktop. सारी की सारी screen जिसके ऊपर छोटी छोटी pictures बनी हुई होती हैं, उसको हम desktop कहते हैं. और जो छोटी छोटी पिक्चर्स होती हैं उनको हम कहते हैं आइकन्स. आइकन्स आर द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द डेटा. माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट्स, नेटवर्क नेबरहुड, ये हमारे पास आइकन्स हैं. नेक्स्ट प्रोसेस में आता है सर कि हाउ टू मेक इट कस्टमाइज, कैसे हम उसको बढ़िया बनाएंगे डेस्कटॉप को. तो दो ऑप्शंस होती हैं डेस्कटॉप को बढ़िया बनाने के लिए. या तो आप डेस्कटॉप के ऊपर ही राइट क्लिक कर दो और ड्रॉप पेस्ट पे क्लिक कर दो, या फिर आप स्टार्ट पे जाके सेटिंग्स में जाके कंट्रोल पैनल पे क्लिक करेंगे तब भी आपके पास ये चीज ऑप्शन आ जाएगी. हमारे पास कस्टमाइजेशन डेस्कटॉप करने के लिए राइट क्लिक हम डेस्कटॉप पे करेंगे और प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर देंगे, एक विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर आपके पास तीन ऑप्शंस होंगी. फर्स्ट वन इज डेस्कटॉप वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एंड अपीयरेंस. फर्स्ट इज योर डेस्कटॉप और वॉलपेपर. जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे डिफरेंट टाइप्स के वॉलपेपर्स आपके सामने आ जाएंगे. आप उसमें से किसी भी एक वॉलपेपर पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो सेम जो चीज है वो आपके पास डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी. सेम प्रोसेस इज बीन फॉलो इन केस ऑफ स्क्रीन सेवर्स एज वेल एज इन केस ऑफ अपीयरेंस. सो वी कैन से दैट द डेस्कटॉप इज प्लेस एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर्स बिकॉज हमारी जो स्क्रीन है अगर वो बहुत अच्छी होगी तभी हम अंदर एप्स को या अपने सॉफ्टवेयर्स को accurately use कर पाएंगे. So very first practical lesson is desktop. कि desktop को attractive बनाने के लिए, customize करने के लिए कौन-कौन से options use की जाती हैं. So इस a very short practical YouTube lecture में मैंने आपको बताया कि desktop को आप customize कैसे करेंगे. दो options हैं, या तो आप desktop पे right click कर देंगे और properties में चले जाएंगे, या फिर आप स्टार्ट में सेटिंग्स में कंट्रोल पैनल